हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार। द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। एवरेज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और एवरेज की इससे पहले 5 या 6 वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप लोग उसको जाके देखिए, आपको डेफिनेटली वहां से फ़ायदा होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब, मैं ये चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, बस आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। चलिए, आज क्वेश्चन जो हम करेंगे बैटिंग और बॉलिंग पे, जैसे एवरेज का जो क्वेश्चन आता है बैट्समैन पे और बॉलर पे आता है, उस कॉन्सेप्ट में आज क्वेश्चन करेंगे कि आप कैसे देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे थॉट प्रोसेस किया जाता है, कैसे मेंटली कैलकुलेशन किया जाता है, सवाल को आप कैसे थिंक विदाउट इंक के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए, ये सीजीएल प्री 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं यहां सब कुछ लिखते चलूंगा। ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2017 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसके देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। आप लोग बिल्कुल प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, मैं पूरी मैथमेटिक्स आपको इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग पूरा एक सिस्टम से नोट्स बनाते चलिए, तभी आपको फायदा होगा। देखिए, ऑप्शन ए क्या है, 35, 34, 43। सवाल यह है कि एक बल्लेबाज 16वें मैच में 81 रन बनाता है और इस प्रकार प्रति मैच उसका औसत 3 से बढ़ जाता है, 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या होगा। अ बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 81 रन्स इन द 16th इनिंग एंड हिज स्कोर इंक्रीज्ड बाय 3 रन, व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 16th मैच, यानी कि 16वें मैच के बाद बताना। आप देखिए, इसमें दो तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। जैसे सवाल यह दिया है आपको कि 16वें मैच में 81 रन बनाता, पहले आप सवाल को समझिए कि भाई 16वें मैच में कितना रन बनाता है, 81, कौन से इनिंग में, 16वें, 16th इनिंग में। तो आपसे दो सवाल पूछे जाएंगे कि 16वें मैच के बाद क्या होगा, यानी कि 16वीं इनिंग खेलने के बाद नया औसत क्या होगा, या पूछेगा कि 16वें इनिंग से पहले, दो चीज, यानी कि 16वीं इनिंग खेलने के पहले उसका क्या औसत स्कोर था और 16वीं इनिंग खेलने के बाद उसका क्या औसत स्कोर है। ऐसे दो प्रकार के इस पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश करें। पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, इसका बेसिक क्या है, फिर हम इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा, थिंक विदाउट इंक। देखिए, अगर आपको मेंस में ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको बहुत सारे सवाल बिना पेन पेपर के करना पड़ेगा, मेंटली कैलकुलेशन, तभी आप आगे निकल पाएंगे अपने कंप्यूटर से। देखिए, तो 16वें मैच में 81 रन बनाता है, तो मैंने मान लिया लेट द एवरेज बिफोर 16th इनिंग ध्यान दीजिए, मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, मैं इंग्लिश से आप खुद लिख दूंगा, हिंदी आपको बोल दूंगा, जो भी हिंदी के स्टूडेंट है वो लिख सकते हैं। मैंने लिखा 16वें मैच के पहले, यानी कि 16वें मैच के पहले उसका औसत स्कोर क्या था, 100 रन था, यानी कहने का मतलब कि 15 मैच तक, भाई अगर 16वें मैच से पहले की बात हो रही है, इसका मतलब कि 15 मैच तक, तो अगर 16वें मैच से पहले यानी कि 15 मैच तक उसका औसत एक्स था, इसका मतलब उसने रन कितने बनाए टोटल, तो आप कहेंगे सर 15x, यही बात है 15x। 16वें मैच में कितना रन बनाता है, तो आप कहेंगे सर 81, और किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। भाई देखिए, 16वें मैच के पहले उसका औसत था एक्स रन, यानी कि 16वें मैच के पहले इन द सेंस 15 मैच तक, तो 15 मैच में टोटल कितना हो गया, 15x, और 16वें मैच में कितना बना, 81 रन, तो ये उसके द्वारा बनाए गए कुल रन हो गए, यानी कि 16 इनिंग तक, 16 से हमने भाग दिया और दिया हुआ है कि औसत आपका 3 बढ़ जाता है, यानी पहले x था तो अब कितना हो जाएगा, x प्लस 3। बात मेरी क्लियर हो पाई, यानी कि 16वें मैच से पहले अगर उसका औसत x रन था तो 16वें मैच के बाद औसत कितना होगा, x प्लस 3, यानी कि 3 से बढ़ गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये क्या हो जाएगा, 15x प्लस 81, ये क्या हो जाएगा,
16x और बराबर प्लस 48। x उधर जाएगा तो x बचेगा ये, और 81 माइनस 48। आपको कैलकुलेशन भी मेंटली करना है, अगर ये 50 रहता तो कितना बचता, 31, दो कम है तो दो ज्यादा बचेगा, यानी कितना बचेगा 33। बात क्लियर हो भाई? यानी कहने का मतलब 15 मैचों तक, यानी कि बिफोर 16th मैच, यानी कि 15 मैच, 16वें मैच से पहले का मतलब 15 मैच, इसका मतलब 15 मैचों तक उसका औसत 33 रन था। तो यहां दो सवाल पूछे जाएंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 16वें मैच से पहले स्कोर क्या था औसत स्कोर, तो आप कहेंगे सर 33, और 16वां मैच खेलने के बाद क्या हो जाएगा, तो 33 में 3 को जोड़ देंगे, यानी कि 3 बढ़ चुका है, तो अब कितना हो जाएगा 36। तो इस सवाल में क्या पूछा गया, 16वें मैच के बाद, तो इसका मतलब 36 ही आपका सही उत्तर होगा, इसका मतलब 36 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए, ऑप्शन में हमेशा आपको 33 भी मिलेगा और 36 भी मिलेगा, कहने का मतलब कि 16वें मैच से पहले का भी मिलेगा स्कोर और 16वें मैच के बाद का मिलेगा, तो इसमें गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि इस सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं थिंक विदाउट इंक से, क्योंकि आप थिंक विदाउट इंक पे जब काम करेंगे तभी आप सेलेक्ट जल्दी हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिए इधर भाई, 15 मैचों तक उसका औसत कितना था, कुछ भी औसत होगा, मान लीजिए हमने लिख दिया ए बी सी, 15 का नंबर क्या होता है, ओ होता है, अल्फाबेटिकल की बात हो रही, ओ होता है ना। इस 15 मैचों में उसका कुछ औसत था, तो मैंने मान लिया कि उसका औसत था क्या, एक्स रन, यही बात है भाई। ए बी सी डी ओ क्या होता, 15th रैंक, यानी कि 15th प्लेस, तो 15 जो मैचों का औसत था वो क्या था, एक्स रन। 16वां मैच मान लीजिए हमने, 16वां मैच का स्थान क्या होता, पी, अगर इस वाले मैच में भी वो एक्स रन ही बनाएगा तो क्या औसत पे कोई फर्क पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन उसने कितने रन बनाए, 81, कितने बनाए, 81 रन, और 81 रन बनाने से क्या हुआ कि औसत 3 का बढ़ गया, 3 बढ़ गया मतलब इसमें भी 3 का वृद्धि, इसमें भी 3 का वृद्धि, इसमें भी 3 का वृद्धि, इसमें भी 3 का, यानी कि सब में 3 की वृद्धि हो गई, सब में क्या हो गई, 3 की वृद्धि। तो आप देखेंगे अगर इसमें भी मान लीजिए एक्स रन बनाता हो तो क्या होगा, सब में 3 रन की वृद्धि हो गई, अरे यही बात है, सब में 3-3 रन की वृद्धि हुई है, तो कितना हो गया 16 मैच हो गए, तो 16 × 48 रन तो बढ़ाने के काम आ गया, इसका मतलब उसका औसत क्या था, 33। आप एक बार फिर से समझिए भाई, 16वां मैच में अगर वो औसत एक्स रन ही बनाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें इतने रन बनाए उसने, 81 रन बनाए, जिससे क्या हुआ कि अब 16 पारी हो गई, कितनी पारी हो गई, 16 पारी, और 16 पारी में 3-3 रन का इजाफा हुआ, कहने का मतलब 48 रन ज्यादा बनाना पड़ेगा औसत से, यानी जो भी औसत होगा, मान लीजिए औसत एक्स है, तो उससे इसको 48 रन ज्यादा बनाना पड़ेगा, और हर एक पारी के हिस्से में कितना जाएगा, 3, तो औसत क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि औसत से 48 रन ज्यादा बनाया होगा तभी 16 पारी के हिस्से में 3-3 रन का वृद्धि हो पाया, इसका मतलब 16वें मैच से पहले उसका औसत कितना था, 33। इस बात को ध्यान से समझिए, 16वें मैच के पहले कितना था, 33, अब पूछा 16वें मैच के बाद क्या होगा, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2017 का है, ऑप्शन आप लिख लीजिए 45, बी 46, सी 44 और डी है 43। ये सीजीएल मेंस 2017 का पूछा गया सवाल है, देखिए आप लोग कोरोना से परेशान थे, देखिए सारी डेटे आ चुकी हैं, सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है, सीजीएल मेंस 2018 के मेंस का नोटिफिकेशन आ चुका है, स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो सीजीएल का एग्जाम 2 दिन होने के बाद
पोस्टपोन कर दिया गया, उसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। कहने का मतलब आप अपना काम करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, गवर्नमेंट का काम है एग्जाम कराना, आपका काम नहीं है, आपका काम बस पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करिए। गवर्नमेंट जब एग्जाम कराती है, कंडक्ट कराती है, तो आप पहले बार में ही क्रैक करिए, लेकिन आपसे पहले बार में तो होगा नहीं, लेकिन आप बस ये सोचते हैं कि एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और नोटिफिकेशन कब आएगी, और आपकी खुद की तैयारी तो है नहीं। पहले खुद की तैयारी कीजिए, एक बार आप तैयार हो जाइए और सिर्फ एक एग्जाम में बैठिए, वही आपका आखिरी एग्जाम होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब इतना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि सीजीएल में 2017 में पूछा गया सवाल क्या है, आप लोग नोट करिए। किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वीं मैच में 87 रन बनाया, उससे प्रति मैच रनों का औसत कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? हमने आपको कहा कि दो चीजें पूछी जाएंगी, या तो 21वें मैच के पहले या 21वें मैच के बाद। तो ध्यान दीजिए, 21वें मैच में 87 बनाया, इसका मतलब माना बीस मैच तक औसत क्या था, एक्स रन, ठीक है। अरे भाई 21वें मैच में बनाया ना, तो मैंने मान लिया कि 20 इनिंग तक उसका जो औसत था वो क्या था, एक्स। तो अगर मैं पूछूं कि 20 इनिंग का टोटल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर औसत से मैच की संख्या में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 20x। 21वीं मैच में कितना बनाता है, तो आप कहेंगे सर 87। और अब ये 21 मैचों में बनाया गया रन 21 से डिवाइड करेंगे, औसत मिल जाएगा, और औसत क्या हो गया, 2 रन बढ़ गया। तो कहने का मतलब पहले x था, तो अब x प्लस 2। फिर से समझिए, 20 मैचों का औसत x था, तो 20 मैचों का टोटल, 21वें मैच में 87 बनाता है, तो 21 मैच का टोटल 21 से हम डिवाइड करेंगे, तो 21 मैच का औसत, कहने का मतलब 2 बढ़ गया, x प्लस 2 हो जाएगा। x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 20x प्लस 87 42। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x 87 माइनस 42, तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको मेंटली करना, लिखना नहीं है। 80 में से 40 जाएगा तो 40, 7 में से 2 जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, 45। और यही आपसे पूछा गया है कि 21वें मैच से पहले, यानी कि 20 मैच तक, कहने का मतलब अगर आपसे कहा जाए 21वें मैच से पहले, इसका मतलब 20 मैच तक, तो आपने कहा कि 20 मैच तक उसका औसत क्या था, एक्स माना था, और एक्स आपका उत्तर है, इसका मतलब आपका सही आंसर क्या होगा, 45। बात क्लियर हो पाई, एक्स की वैल्यू क्या है, 45। इसका मतलब 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, 45। अगर पूछा जाता कि 21वें मैच के बाद क्या होगा, तो आप इसमें क्या करते, 2 जोड़ के बता देते, 47, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट अप्रोच से आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए 20 मैच तक कुछ औसत होगा, 21वें मैच में कितना बनाया, 87। 21वें मैच में कितना बनाया, 87 रन। इससे क्या हुआ कि औसत 2 रन की वृद्धि हो गई, तो 21 ए से लेके कहां तक, 21 होता है यू, तो इस 21 पारी में 2-2 रन तो सबके बढ़ाने के काम आ गए। भाई अगर 21 पारी है टोटल, तो 2-2 रन तो बढ़ाने के काम आ गए, तो कितना हो जाएगा, 21 × 42, इसका मतलब उसका औसत कितना था, 45। भाई 21 पारी हो गए, 2-2 रन 21 पारियों का बढ़ा है, 21 पारी का 2-2 रन बढ़ा है, कितनी पारी का, 21 पारी का 2-2 रन बढ़ा है, इसका मतलब औसत से 42 रन ज्यादा बनाया होगा, जो उसका बेसिक औसत होगा उससे 42 रन ज्यादा बनाया होगा, तभी 21 पारी में 2-2 रन की वृद्धि हो जाएगी। बात क्लियर है, इसका मतलब 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, 45। बात क्लियर है, अगर पूछता है 21वें मैच के बाद क्या हो जाएगा, तो हम 2 जोड़ देते और 47 बता देते। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 3। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, चाहे जितनी बार देखिए, लेकिन कहने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना है। आपको इस चैनल पे पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, आपको कुछ नहीं करना, बस हार्ड वर्क करना, मेहनत करना है और सक्सेस होना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2017 का ही है। देखिए हमने सारे एग्जाम के लिए सीजीएल मेंस के, सीपीओ में सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस के, सीपीओ के, यूपीएसआई के, एनटीपीसी के, जो भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अच्छा क्वेश्चन है वो मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लिया हूँ। तो जो आज का तीसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन उसके लिख लीजिए आप। ऑप्शन है 65, 55, 75 और 45। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उससे रन का औसत प्रति 1.4 बढ़ जाता है, ठीक है। तो 25वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? तो देखिए अगर कुछ भी औसत होगा, मैंने मान लिया कि उसका औसत जो भी होगा, लेकिन अगर 25वें मैच खेलने से 1 से 25 इनिंग तक का, यानी 1 से 25 क्या हो जाएगा, वाई, इस 25वें इनिंग का 1.4 रन बढ़ गया, तो कहने का मतलब औसत से 35 रन ज्यादा बनाना पड़ेगा। भाई अगर हम 25वीं पारी खेल रहे हैं और उसमें हम इन 25 पारियों का औसत 1.4 रन बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यही करना पड़ेगा कि हमको 35 रन ज्यादा बनाना पड़ेगा औसत से, ठीक है। इसका मतलब 35 रन ज्यादा बनाना पड़ेगा, बनाया कितना है 100 रन, बनाया कितना है, इसका मतलब कि 25वीं पारी से पहले उसका औसत कितना था, 65। तो पूछा क्या गया, 25वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, आपका सही आंसर होगा 65। बात क्लियर हो पाई है? 25वें मैच से पहले क्या था, 65, क्योंकि 25वें मैच में उसने इतना रन बनाया कि सबका, यानी कि इन टोटल 25 इनिंग का 1.4 बढ़ गया, तो कहने का मतलब 25 में 1.4, यानी कि 35 रन तो सिर्फ बढ़ाने बढ़ाने के काम आया, ये 35 रन तो सिर्फ और बढ़ाने के काम आया है, उसका जो औसत था वो 65 रन ही था। बात को समझिए, फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार फिर ध्यान से समझिए। जैसे आपने निकाला औसत कितना है 65, अभी आपने निकाला है, मैं बिल्कुल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूं। मान लीजिए 25वें मैच बनाया तो कितना, 24 मैच, 24 की वैल्यू क्या होती है एक्स। अब अगर इस 24 पारी में मान लीजिए कुछ भी औसत होगा, मैंने मान लिया कि एक्स है, औसत क्या है सबका एक्स है, ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि 24 इनिंग है और सबका औसत स्कोर एक्स है। अगर 25वीं पारी 25th इनिंग, अगर यहां भी वो एक्स रन ही बनाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात ध्यान से समझिए। लेकिन अगर वो 25वीं पारी खेलने से इस पारी को भी शामिल कर लिया जा रहा है, तो टोटल कितनी पारी हो गई, 25 पारी, और 25 पारी का 1.4 रन बढ़ रहा है, इसका मतलब टोटल उसने 35 रन ज्यादा बनाया है औसत स्कोर से, यानी औसत स्कोर से जब 35 रन ज्यादा बनाएगा तभी सारी पारियों का, 25 पारियों का 1.4 रन की वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब कि 25वीं पारी से पहले उसका औसत क्या निकल गया, क्योंकि 25वीं बनाया 100, तो 25वीं पारी से पहले उसका औसत क्या हो जाएगा, 65 रन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। मैं आपको इसके साथ प्रैक्टिस भी करा रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए ये सवाल आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। मैं आपसे डेफिनेटली ये प्रॉमिस करता हूं कि आप इस चैनल पे जो भी चैप्टर पढ़ लेंगे, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम पे भी मैं बहुत ही मैटर अवेलेबल करवा दूंगा कि आप जितना पढ़ लेंगे मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। मुझे पता है कि आपको कितना पढ़ना, वो सारी चीजें हमें पता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी खुद सेलेक्ट हूँ, वो चीजें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि आपको कितना पढ़ना है। मुझे पता है, मैं सारे पेपर को एनालिसिस कर रहा हूँ, डेली एनालिसिस यही कर रहा हूँ कि भाई कितना पढ़ना है स्टूडेंट को, क्या पढ़ना है, कितना थोड़ा पढ़ के ही काम चलाया जा सके ताकि स्टूडेंट जल्दी सेलेक्ट हो जाए। तो हम आपकी सारी चीजें टेलीग्राम पे भी आपको मिलेंगे। ऑप्शन इसके देखिए क्या क्या है, 58। देखिए बात आप समझिए,
कहने का मतलब आपने भी देखा होगा कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन कोई कोई ही सिलेक्ट होता है, यानी कि अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें एक या दो एक सिलेक्ट होगा, 9 नहीं हो पाते। क्यों? उसने कुछ अलग पढ़ा नहीं, उसने अलग कुछ नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ अपने आप पे वर्क किया, उसने अपने दिमाग को खोला, उसने अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप की, उसने थिंक विदाउट इंक पे काम किया कि भाई क्या मैं किसी सवाल को बिना पेन के भी कर सकता हूँ, क्या मैं किसी सवाल को ऐसे लेट के भी सवाल को लगा सकता हूँ। इस चीज़ पे आपको काम करना है। देखिए दिमाग का जो सोचने का नजरिया बहुत ब्रॉड है, दिमाग जितना सोच सकता है पेन नहीं सोच सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस सवाल को हम आज 40 सेकंड में लगाते हैं तो कल हम इसको 30 सेकंड में लगाएंगे, परसों हम इसको 20 सेकंड में लगाएंगे, और थोड़े दिन के बाद हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन का जवाब स्क्रीन से ही दिया जाए। ठीक है, सारा कैलकुलेशन मेंटली करेंगे, हम स्क्रीन का जवाब स्क्रीन पे देंगे। यानी अगर सीजीएल मेंस की मैं बात करूं उसमें 100 क्वेश्चन है, 30 से 40 क्वेश्चन हम स्क्रीन का जवाब स्क्रीन पे ही दे पाएंगे। अगर मैं यूपीएसआई की बात करूं यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन है, अब डेफिनेटली मानिए कि आप 10 से 15 क्वेश्चन आप वही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा इस चैनल पे। चलिए सवाल, ठीक है, चलिए देखिए 17वें मैच में कितना रन आता है, 98 रन। 17वें मैच में कितना बनाया वो, 98। 17वें मैच में 98 रन बनाता है और उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 रनों की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो कितना रन ज्यादा बनाया होगा, तो आप 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। आपको गुणा कैसे मेंटली करना, देखिए 17 दुना 34 और 17 में आधे का गुणा करेंगे तो 8.5, तो 34 और 8.5 कितना हो जाएगा, 42.5। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक सेकंड, यार 9 में से 4 होगा 5, ध्यान दीजिए 17वें मैच में वो 98 रन बनाता है, जिससे क्या हुआ कि 17 मैचों में 2.5 रन को वृद्धि हो गई। इसका मतलब औसत से 42.5 रन ज्यादा बनाया था, तो जब औसत से 42.5 रन ज्यादा बनाया था इसका मतलब औसत कितना था, 55.5। देखिए मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं, मान लीजिए 1 से लेकर 16 यानी कि पी का स्थान होता 16, यहां तक कुछ भी औसत रहा होगा, मैंने मान लिया कि औसत एक्स रहा होगा। अगर उसने 17वीं पारी में 17th इनिंग में भी अगर एक्स रन ही बनाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने औसत से कितना ज्यादा बनाया, तो आप कहेंगे सर 42.5 रन ज्यादा बनाया और हर एक पारी के हिस्से में कितना आया, 2.5 रन। बात क्लियर हो पाई है, यानी कि 17वीं पारी में वो 42.5 रन ज्यादा बनाया है औसत से। इसका मतलब कि 17वीं पारी से पहले अगर कोई पूछता है आपसे तो इसका आंसर होगा 55.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 55.5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या पूछा गया है, तो 17वें मैच से पहले, हाँ तो आपका यही सही उत्तर। अगर आपसे कोई मान लीजिए पूछता कि 17 मैच के बाद क्या होगा, तो आप 17 मैच के बाद आप क्या बताते, तो इसमें 2.5 ऐड कर देते तो क्या हो जाता, 58। तो ये कब है, 17 मैच के बाद, ये कब है, 17 मैच के पहले। तो अभी आपसे ये उत्तर पूछा गया तो आपका सही उत्तर होगा 55.5। तो 17वीं पारी के पहले उसका औसत कितना था, 55.5। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो सीपीयू 2019 में पूछा गया। आप लोग बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाइए, सीपीओ 2019 में कौन सी शिफ्ट में आया ये तो मुझे पता नहीं है, सीपीओ में आया हुआ है तो आप लोग सिर्फ देख सकते हैं सीपीओ कौन से में आया हुआ है। देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑप्शन आपका 32, बी आपका दिया 36, सी दिया आपका 40 और डी दिया गया 35। ठीक है, सवाल ये है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, कौन सी पारी में, 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 पारियों के लिए 4-4 रन उसने फालतू बना दिए, 60 रन, तो 15 पारी से पहले उसका औसत क्या होगा, 32। आपको डायरेक्ट मेंटली कैलकुलेशन करना है कि भाई 15 पारी में कितना था, 92, तो 4 रन औसत बढ़ गया, इसका मतलब 60 रन तो बढ़ाने के काम आ गए, तो इसका मतलब 15वीं पारी से पहले उसका औसत क्या था, 32 रन। बात क्लियर है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, पूछा आपसे ये गया कि 15वीं पारी के बाद क्या होगा, तो आप 15वीं पारी के बाद औसत 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36।
आपको ध्यान देना है, ऑप्शन में 32 भी मिलेगा, 36 भी मिलेगा, 15वीं पारी के पहले तो कितना हो जाएगा 32, और 15वीं पारी के बाद क्या हो जाएगा तो 36, चार रन की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। चलिए आपको मैं यहीं से मैं एक चीज और सिखाऊंगा, आप ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग, सीजीएल प्री। देखिए ऑप्शन इसके क्या क्या है, सवाल यह कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसके रनों में के औसत में 9 रन की वृद्धि हो जाती है, तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए खिलाड़ी क्या 8 इनिंग खेला है और 9th इनिंग, जो उसकी 9th इनिंग है, इसमें रन कितना बनाया 100, 9वीं पारी में कितना बनाया 100 रन, इससे क्या हुआ कि टोटल 9 पारियों का जो औसत है वो 81 रन बढ़ गया, क्योंकि हर एक पारी में 9 बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ गया 81 रन। इसका मतलब ये हुआ कि औसत से 81 ज्यादा बनाया था तो औसत कितना था 19। भाई औसत 9 पारियों का 9-9 रन कब बढ़ेगा, जब औसत से 81 ज्यादा बनाया जाएगा, इसका मतलब कि उसका औसत 19 है। लेकिन ये कब दिया है 19 कब है, 9वीं पारी के पहले, लेकिन आपसे सवाल पूछा गया है कि उसके रनों का नया औसत, तो नया औसत में क्या हो जाएगा 9 जुड़ जाएगा, तो 19 और 9 28 हो जाएगा, और यही आपका सही उत्तर है। बात क्लियर है, ध्यान दीजिए इस चीज को और एक बार समझिए, मैं आपको एक तरीके से भी मैंने कहा कि एक तरीके से और मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने ये कहा कि 8 पारियां, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, 8 पारियां हैं, मैंने नाम दिया ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इतनी 8 पारियां हैं, 8 पारी हो गई, अब इनके रनों का कोई औसत है, उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए, कितने बनाए, मान लीजिए 9वीं पारी हमने आई ले लिया, इसमें कितने बनाए 100 रन, इनका मान लीजिए पहले औसत कुछ भी था, एक्स था, मान लीजिए औसत का मतलब क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, आपको मैं समझा रहा हूं, आप समझिए फिर से कॉन्सेप्ट, आप बिल्ड करिए कि भाई 8 पारियों का कोई औसत था, उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे औसत में वृद्धि कितनी हो गई 9-9 की, यानी 9 ये भी बढ़ गया, 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 ये भी ठीक है, और 9 ये भी बढ़ जाएगा औसत से, है कि नहीं, अगर मान लीजिए यहां औसत होता एक्स तो 9 ये भी बढ़ गया, तो कहने का मतलब अगर ये सारे 9 बढ़ गए तो 9-9 81 रन तो बढ़ाने के काम आ गया, भाई अगर उसने 100 रन बनाए हैं तो 81 रन तो बढ़ाने के काम आ गया, इसका मतलब औसत कितना था 19 रन, यही तो बात है, औसत कितना था 19 रन, क्योंकि 9 पारियों का 9-9 रन बढ़ाने के काम आ गया, तो औसत कितना हो जाएगा 19 रन, कब 9वीं पारी से पहले, लेकिन अब औसत चेंज हो जाएगा तो 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, ठीक। आप यहां से कैसे एक कॉन्सेप्ट और सीख सकते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिए 9वीं पारी में, 9वीं पारी में वो कितना रन बनाता 100 रन, 100 रन तो बनाया है 9वीं पारी के लिए, बाकी की इन 8 पारियों के लिए 9-9 रन दे दिया है, भाई 9-9 रन आप लोग ले लीजिए, 9-9 रन इन 8 पारियों के हिस्से के लिए बना दिया, तो 9-72 रन तो इनके हिस्से के लिए बना दिया, और जो उसका बचा है वही तो औसत है। बात आपको समझ में आ गई कि भाई अगर हमने 100 रन बनाया और औसत 9 की वृद्धि हो गई, तो हमने हर एक पारी के लिए 9-9 रन बनाया, इसका मतलब 72 तो हमने इनके लिए बनाया, तो जो 72 घटा देंगे 28 वही तो आएगा 9वीं पारी के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको यहां ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, आप इस चीज को सबको नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए अभी सीजीएल प्री का ही पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नोट करिए इसके, 20,
ठीक है। सवाल यह कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई, एक सेकेंड, सवाल दूसरा है। हाँ चलिए देखिए, नोट करिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों का रनों का कोई औसत है, उसकी 65वीं पारी में उसने 0 रन पर आउट हो जाता है और इससे उसके औसत रन 2 रन कम हो जाते हैं, तो उसका नया औसत क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि भाई 64 पारी तक उसका औसत 1 रन था, ठीक है, 1 रन था। तो मैं आपसे पूछूं कि 64 पारी का अगर औसत एक्स रन दिया है तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुणा कर लीजिए 64 एक्स, 65वीं पारी में कितना बनाया, 0 रन। अब टोटल ये 65 पारी में बनाए गए रन हम 65 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा, और दिया हुआ है कि औसत अब 2 रन कम हो जाता है, यानी अगर पहले एक्स था तो अब एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो 65x माइनस का 130, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 130। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 30। तो 64वीं पारी तक उसका औसत कितना था, 130, लेकिन सवाल ये पूछा गया उसका नया औसत, तो नया औसत अब 2 रन कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 128। क्या पूछा गया इसमें, अच्छा ऑप्शन हमने गलत लिख दिया, ऑप्शन आप लोग फिर से लिख लीजिए, ऑप्शन आप लोग फिर से लिख लीजिए। ऑप्शन देखिए क्या है, 130, 128, 128, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे 64 पारियों तक औसत कितना, तो 130, 64 पारियों के बाद यानी कि 65वीं पारी के बाद क्या हो जाएगा, तो 128, ठीक है। बात आपको क्लियर हो पाई है, चलिए देखिए मैं इसको और कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए कि भाई 64 पारियों का कोई भी औसत होगा, मैंने मान लिया ये पहली पारी है, दूसरी पारी है, तीसरी पारी है, डैश 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 64 पारी, इनका कोई भी औसत होगा, मैंने मान लिया एक्स रन, 65वीं पारी में इसने क्या किया, 0 रन बना दिया, इससे औसत में 2 रन की कमी हुई, इसका मतलब इन 64 पारियों के हिस्से का 2-2 रन कम होगा, तो 64 दुना कितना, 128, वो किसके हिस्से में आएगा, इसके हिस्से में, इसका मतलब कि 65वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा, 128। तो क्या पूछा गया, उसका नया औसत 128, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कि अगर इनके 64 पारियों के हिस्से का माइनस 2-2 होगा वो इसके पास प्लस होगा, तो 65वीं पारी के बाद, या मैं कह सकता हूं कि नया औसत आपसे पूछा जाएगा तो 128, अगर पूछा जाएगा पुराना औसत तो 130, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके वेटेज की मैं बात करूं तो आपके सीजीएल मेंस मैंने बताया कि 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीपीओ में भी आ रहे हैं 3-3 क्वेश्चन, यूपीएसआई में भी 4-4 क्वेश्चन, अगर डीआई को मैं जोड़ दूं तो। चलिए देखिए, ये आपका पूछा गया सीजीएल टीयर वन में, सॉरी सीपीओ में पूछा गया, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, इसके ऑप्शन क्या क्या है, देखिए ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 12। सीपीओ में पूछा गया, सवाल ये है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत रन 40 है, कितने पारियों का, 30 पारियों का, तो अगर 30 पारियों का औसत रन कितना है, 40 है, तो ये 30 पारियों का टोटल हो जाएगा, भाई 30 पारी और हर एक पारी में 40 बनाया, तो मैं पूछूं टोटल, तो आप कहेंगे दोनों गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब सवाल ये दिया है कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, यानी जो उसका मिनिमम इनिंग और मैक्सिमम इनिंग का जो डिफरेंस है वो कितना, 100 रन है, अगर इन दोनों पारियों को मैं निकाल दूं, एक्सक्लूड कर दूं, तो कितनी पारियां बचेंगी, तो भाई 30 पारियों में से दो पारी को निकाल देंगे, कितनी बचेगी, 28 पारी, तो इन 28 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, 38। ध्यान दीजिए मेरी बात को, फिर से समझिए, 30 पारी में कितना, 40 रन, तो ये 30 पारियों का टोटल,
उसके बाद अगर दो पारी निकाल देता हूं तो कितनी पारी बचेंगे, 28, और उनका एवरेज क्या है 38, तो ये 28 पारी का टोटल। कहने का मतलब ये 30 पारी का टोटल है और ये 28 पारी का टोटल है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो दो पारी का टोटल मिलेगा। वो दो पारी कौन कौन सी होगी, एक उसकी मिनिमम पारी और एक उसकी मैक्सिमम पारी। तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा भैया, 1200। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिए इसको गुणा कैसे करना है। 28 × 38 आपको करना था, तो कैसे करना था, 28 × 38 करना है। अब ध्यान दीजिए, अगर 28 × 40 होता तो कितना होता, अगर मान लीजिए मैं करूं 28 × 40 तो 1120 होगा कि नहीं। अगर मैं इसको 40 ले लूं तो 28 × 40 1120, लेकिन हमने दो ज्यादा लिया, इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 − 2 तो 28 × कितना कम हो जाएगा, 56। तो 10 × 6 जाएगा 4, 11 × 5 = 6, कितना हो जाएगा 1064। ये कितना हो जाएगा 1064, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये 30 पारियों का टोटल है, ये 28 पारियों का टोटल, अगर हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 130 + 64 = 136। तो ये दो पारियों का टोटल है, ये जो दो पारियों का टोटल है वो एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है, और उनका अंतर कितना, 100 रन। तो आप कहेंगे सर एक एक्स होगा, तो एक एक्स प्लस 100 होगा, और वो बराबर किसके होगा, 136 के। तो 2x की वैल्यू क्या होगी, तो 36 होगी, और x की वैल्यू क्या होगी, तो 18 होगी, क्योंकि सवाल दिया है कि जो उसका मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और उसका मिनिमम, इनका डिफरेंस कितना है, 100 रन। यानी अगर मिनिमम x बनाया होगा तो मैक्सिमम में 100 + x बनाया होगा। तो पूछा मिनिमम, तो मिनिमम कितना है, 18 रन। बात क्लियर है, देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको x y मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। 136 को दो भागों में बांटना है, और एक इनिंग दूसरी इनिंग का जो डिफरेंस हो 100 रन का है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को पहले ही अलग कर लेंगे। अगर मैं डिफरेंस को अलग कर लूं तो कितना बचेगा इसमें से, आप कहेंगे सर 36, तो 18 इसको दे देंगे और 18 इसको दे देंगे, वो बराबर बराबर बांट देंगे, और जो मैंने अलग किया था उसको मैं जोड़ दूंगा। तो अगर आपसे कभी मैक्सिमम पूछेगा तो 118 और मिनिमम पूछेगा तो सिर्फ 18। बात क्लियर हो पाई है, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेशन मिनिमाइज कैसे करेंगे, अब उस बात को समझिए कि भाई क्रिकेट के 30 पारियों का औसत 40 रन था, यानी कि एक से लेके 30 तक सारी इनिंग में 40 40 40 40 40। तो हमने मान लिया कि जो दो पारी हमने अलग किया है उसमें भी 40 40 होंगे, तो 40 × 2 यानी कि 80 रन, ठीक है, औसत है तो समय बराबर होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब दो पारी निकल गई तो 28 पारी बची, कितनी पारी, 28 पारी, और इन सबका दो दो रन कम हो गया, तो इसका मतलब कि माइनस का 56, अगर ये माइनस का 56 डेविएशन है तो ये प्लस के 56 में आएगा। इसका मतलब इन दो पारियों का जो इनिंग टोटल है कितना, 136, और अभी हमने आपको बांटना सिखाया है कि आप 100 अलग कर लीजिए, जो ज्यादा है तो बचेगा 36 36 में 18, इसे दे दीजिए 18 इसे दे दीजिए। अगर आपसे कभी मैक्सिमम पूछता है तो 118, और मिनिमम पूछता है तो सिर्फ 18। तो यहां मिनिमम पूछा गया, मिनिमम कितना हो जाएगा, 18 रन। चलिए आप इसको समझ पाए कि कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपको जो भी इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा उसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन मेंस 2016 में पूछा गया है, सीजीएल मेंस 2016। देखिए ऑप्शन इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा पढ़ा होगा, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो बिल्कुल नया होगा, पढ़ा होगा आपने लेकिन जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो बिल्कुल नया होगा, उसमें आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। जो बच्चे पढ़ भी रखे हैं उनको भी फायदा होगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनको तो फायदा ही फायदा है। दिया है सवाल कि किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 है, यानी कि उसने 40 पारी खेली है और हर एक पारी में 50 50 50 50 50 बनाया है, ठीक है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, यानी जो उसका मिनिमम इनिंग है और मैक्सिमम इनिंग का डिफरेंस कितना है, 172, यानी एक में x बनाया होगा तो एक में x प्लस 172 बनाया होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 40 पारियों का औसत 50 रन है, यानी सब पारियों का औसत अगर हम दो इनिंग निकाल दें तो दो इनिंग का रन कितना होगा, 50 × 2 = 100 रन। लेकिन इन दो इनिंग के निकलने से
बाकी की जो 38 पारी बची, कितनी पारी बची 38 पारी, इनके भी दो दो रन कम हुए हैं, यानी कि माइनस का 76 हुआ है। और अगर ये माइनस का 76 होगा तो यहाँ प्लस का 76 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि डेविएशन शून्य करना पड़ेगा। भाई देखिए पहले 40 पारी थी, ध्यान दीजिए, फिर से समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले थी 40 पारी, हर एक पारी का औसत था 50 रन, तो मैंने मान लिया कि भाई ये दो पारी का भी 50-50 रन होगा, 100 रन। लेकिन इन दो पारी निकलने के बाद कितनी बचेगी, 38 पारी, और इन 38 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, तो आपका दिया 48 हो जाएगा। 48 कहने का मतलब अगर 48 हो जाएगा तो दो कम हो जाएगा, तो माइनस का 76, अगर ये माइनस का 76 रहा तो प्लस का 76, यानी इन दोनों पारियों का जो जोड़ है वो कितना है, 176। बात क्लियर हो पाई, जो इन दोनों पारियों का जोड़ है वो कितना है, 176, जिसमें एक इनिंग मैक्सिमम है और एक इनिंग मिनिमम है, और इन दोनों पारियों का अंतर कितना, 172। तो आप 172 को अलग कर लीजिए तो बचेगा कितना, 4, तो आप 2 इसे दे दीजिए, 2 इसे, 172 आप जोड़ दीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है मैक्सिमम कितना होगा तो 174, और कोई पूछेगा मिनिमम कितना होगा तो आप बता पाएंगे 2। तो यहाँ पूछा क्या गया, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो जाएगा 174। ठीक है, चलिए मैं एक सवाल और लेता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसमें का एक सवाल और। ठीक है, चलिए, यह सवाल आपका CHSL में पूछा गया है, CHSL 2012 में। ऑप्शन इसके देख लीजिए क्या क्या है, इसके ऑप्शन देखिए, CHSL 2012 में यह सवाल पूछा गया है, ऑप्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या है कि किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 रन था, यानी कि 64 पारी था 64, मैं इसको 4 ऐसे लिख दे रहा हूं, और इसका औसत कितना था 62 रन। ठीक है, दिया बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है, यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बाकी बची पारियों का औसत 60 हो जाता है। तो भैया अगर औसत 62 रन था तो दो पारी का कितना हो जाएगा, 62 × 2 = 124। लेकिन ये दो इनिंग निकालने के बाद यह कितना इनिंग बच गया, तो आप कहेंगे सर 60 पारी और बच गई, इस 60 पारियों का औसत कितना हो जाता है, 60 रन, यानी कि दो दो कम हो जाता है, इसका मतलब 60 × 120, तो जो माइनस 120 है इधर प्लस 120 होगा। तो आप कह सकते हैं कि दो पारियों का जो टोटल होगा वो 244 रन होगा। अब सवाल दिया है कि एक पारी दूसरे पारी से 180 रन अधिक है, तो 180 को हम अलग कर लेंगे, तो 180 अलग कर लेंगे तो कितना बचेगा, 20 इसमें का और 44 इसमें, तो 44 × 20 = 64, तो 64 बचेगा, तो एक को दे देंगे 32 और दूसरे को भी दे देंगे 32। अगर आपसे कोई पूछता है मैक्सिमम तो 80 जोड़ देंगे, यानी कह देंगे 212 रन, और अगर कोई मिनिमम पूछता फिर वही 32 रन। तो यहाँ क्या पूछा गया है, मैक्सिमम बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 212 रन। अगर कोई पूछता मिनिमम स्कोर क्या होगा तो 32 रन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको क्लियर हो पाया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार का डाउट होता है, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मैं आपका वेट करूँगा, आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको समझिए, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। बाय बाय, थैंक यू।